स्वागत अभिनंदन आप सभी का। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ताना जुब्बड़ मेला के बारे में। देवभूमि हिमाचल ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर सैकड़ों देवी देवता वास करते हैं। देवधरा पर वर्ष भर मेले और त्यौहार हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा को कायम रखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहाड़ी लोगों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है और साल भर कड़ी मेहनत के बीच यहाँ के लोग लोक जीवन से जुड़े इन मेलों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। प्रत्येक वर्ष 30 और 31 मई को कोटगढ़ क्षेत्र के जरोल में ताना जुब्बड़ मेला मनाया जाता है। ताना जुब्बड़ नारकंडा से थानादार की तरफ 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक सुरमय स्थान है, जहाँ पर देवदार और कैल के पेड़ जैसे पंक्तियों में लगे हुए हैं और एक सुंदर झील ताना जुब्बड़ है और जिसके पास ही खाचली नाग देवता का मंदिर और सघन पेड़ों के बीच इको पार्क है। साथ ही एक गांव बंशेरा राजकीय प्राथमिक स्कूल और सामने एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पर ये मेला लगता है और पीछे पहाड़ी पर देवता चत्रमुख के बैठने का स्थान और इसके अलावा और भी प्रकृति के बहुत से सुंदर नज़ारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। झील के इर्द गिर्द देवदार के सुमय वन, हल्की ढलान पर पैदल पथ यानी ट्रैकिंग रूट बने हैं और बीच में हवागर, साथ ही एक रिजॉर्ट भी बना है। कोई चढ़ाई नहीं है, बुजुर्ग भी यहाँ पर ट्रैकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। सुबह के समय की सूर्य की किरणें आपके जीवन में एक नव संचार कर देगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि आदमी सब कुछ कर सकता है परंतु प्रकृति का निर्माण नहीं कर सकता, पर हाँ प्रकृति के एक सुरमय टुकड़े को तराश कर एक ऐसा नैनाभिराम बना सकता है जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों में ये मेला नहीं मनाया गया, परंतु इस वर्ष ये मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मेलन के देवता चत्रमुख ने इस मेले में शिरकत की। सदा की तरह ही देवता चत्रमुख का रथ दोपहर बाद ताना जुब्बड़ पहुंचा। खाचली नाग देवता चत्रमुख के गुरु हैं। वृक्ष साहित्यकार आदरणीय धर्मपाल भारद्वाज जी ने खाचली नाग पर एक बहुत ही सुंदर स्तुति लिखी है। खाचली नाग ने शिष्य बनाया, काने देव का अंत कराया, घड़ाहण से मेलन को आया, भीत जनों को अभय बनाया, कष्ट निवारना देना सब सुख, जय जय मेलन देव चतुर्मुख। इसीलिए जो है देवता चतुर्मुख का रथ सबसे पहले खाचली नाग मंदिर पहुंचता है। देवता जी नाग देवता का झुककर अभिवादन करते हैं। नाग देवता की पूजा के उपरांत ही चतुर्मुख देव की पूजा की जाती है और फिर देवता जी मेले में पहुंचते हैं। इस वर्ष मेले का मुख्य आकर्षण कबड्डी का मैच भी रहा, जिसमें 7 स्टार्स भमनोली ने मैच जीतकर ट्रॉफी हासिल की और वॉलीबॉल के फाइनल मैच में शिमला की टीम ने ठेऊ को पराजित किया। मेले के अंतिम दिन यानी 31 मई को यहाँ पर बहुत ही सुंदर पारंपरिक नाटी का आप लुत्फ उठा सकते हैं। और हाँ, मेले में अगर आप जाएं तो आप ज़रूर जलेबी और झूले का आनंद लें। यकीन मानिए आपका बचपन लौट आएगा और अब आप आनंद ले सकते हैं पारंपरिक देव नृत्य का। बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर हिमालयन ग्लोबल विलेज एंड हिमवाणी यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।